नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है पोको M6 Pro 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन का सेटअप कंप्लीट करोगे उसके तुरंत बाद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। इन सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप बेहतर तरीके से अपने फोन को यूज करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। तो आइए दोस्तों, चेंज करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। सबसे पहले तो आपको इनेबल करना है नेविगेशन जेस्चर को, मतलब कि आपको इन बटन को यूज नहीं करना है। तो नेविगेशन जेस्चर को इनेबल करने के लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, फिर जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा मोर का ऑप्शन और ये रहा सिस्टम नेविगेशन। टैप करके आपको सेट करना है जेस्चर्स पे नोट नाउ। अब इसके बाद अगर आपको किसी भी पेज से होम पेज पे जाना हुआ तो आपको करना है बॉटम से स्वाइप अप होम पेज पे जाने के लिए इस तरीके से। बैक जाने के लिए आप दोनों साइड से स्वाइप कर सकते हो इस तरीके से बैक जाने के लिए। अगर आपको अपने रिसेंट ऐप्स को देखना हुआ तो आपको करना है स्वाइप अप एंड होल्ड, तो स्वाइप अप कीजिए और होल्ड कीजिए, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे आपके रिसेंट ऐप्स और आप ऐप के बीच में काफी इजीली स्विच कर पाओगे। आपको जो जेस्चर बार दिखाई दे रहा है उस पर करना है स्वाइप इस तरीके से ऐप के बीच में स्विच करने के लिए। इस फोन में आपको मिलता है डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू अनलॉक का फीचर। अगर आप इस फीचर को यूज करना चाहते हो अपने फोन में तो आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में और यहाँ पे होगा डबल टैप टू वेक, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आपको जाना है होम पेज पे, लॉन्ग टैप कीजिए, जाइए सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा मोर और यहाँ पे होगा डबल टैप टू लॉक, आपको इसे भी ऑन करना है। मान लीजिए आपका फोन लॉक है और ऐसे में कोई आकर आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे एक्सेस करना चाहता तो काफी इजिली एक्सेस कर सकता है। आप देख सकते हो इतना नहीं, किसी भी टॉगल को या सेटिंग्स को चेंज कर सकता है बड़ी आसानी से। तो अगर आप चाहते हो जब आपका फोन लॉक होता है तब कोई भी इसे एक्सेस ना कर सके तो आप इसे लॉक स्क्रीन पे लॉक कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में और यहाँ पे होगा आइटम शोन ऑन द लॉक स्क्रीन, इसे ओपन कीजिए और आपको इन दोनों को ऑफ करना है। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक होता है ऐसे में कोई आकर आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे एक्सेस करना चाहता है तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो जब आपका फोन अनलॉक करोगे आप तभी उसे एक्सेस कर पाओगे। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा तो आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करते हो तो आपका फोन अनलॉक हो जाता है, लॉक भी खुल जाता है, लेकिन आपको एंड में करना होता है स्वाइप अप, तब भी आप अपने फोन को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो बिना स्वाइप अप के भी अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो, जिसे कहते हैं डायरेक्ट फेस अनलॉक। आपको एंड में स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फेस अनलॉक पे टैप कीजिए और यहां पे होगा स्टे ऑन लॉक स्क्रीन, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं अपने फोन को अनलॉक करूंगा फेस से तो आप देखोगे मुझे एंड में स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा, मेरा फोन हो जाएगा डायरेक्ट अनलॉक इस तरीके से। इस फोन में पावर मेनू को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है। आपको मिलता है ये पावर मेनू जहां से आप अपने फोन को पावर ऑफ या फिर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो केवल पावर की पे लॉन्ग प्रेस करके भी इसे एक्सेस कर सकते हो, आपको दो बटन पे प्रेस नहीं करना होगा। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर शॉर्टकट में और यहां पे होगा लॉन्च गूगल असिस्टेंट, आपको इसे करना है ऑफ। बैक जाइए और यहां पे होगा डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, नन पे टैप कीजिए और आपको यहां पे सेट करना है लॉन्च गूगल असिस्टेंट। अब इसके बाद अगर आपको अपने फोन में पावर मेनू को एक्सेस करना हुआ तो आपको पावर की पे लॉन्ग प्रेस करना है, आपको मिल जाएगा पावर मेनू। और अगर आपको गूगल असिस्टेंट को एक्सेस करना हुआ तो आपको पावर की पे करना है डबल टैप, बस दो बार टच कीजिए, आपको मिल जाएगा ये वॉइस असिस्टेंट। आपने गौर किया होगा अगर आपका फोन लॉक होता है, डिस्प्ले ऑफ होता है, ऐसे में अगर आपको अपने फोन को फिंगरप्रिंट के जरिए अनलॉक करना हुआ तो आपको बटन पे करना होगा प्रेस। केवल टच करके आप अपने फोन को अनलॉक नहीं कर सकते, आप देख सकते हो आपको प्रेस करना पड़ेगा तभी आपका फोन होगा अनलॉक। लेकिन आप चाहो तो केवल पावर की पे टच करके भी अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो, आपको प्रेस नहीं करना होगा। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फिंगरप्रिंट अनलॉक पे टैप कीजिए, यहां पे होगा फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड, प्रेस पे टैप कीजिए और आपको सेट करना है टच पे। तो मान लीजिए आपका फोन लॉक है, अब आपको पावर की पे प्रेस नहीं करना होगा, आपको करना होगा केवल टच, फिंगरप्रिंट सेंसर पे टच करके आप अपने फोन को अनलॉक कर पाओगे आसानी से। आप इस फोन में YouTube को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, मतलब कि आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ होगा फिर भी आपके फोन में YouTube पे होता रहेगा बैकग्राउंड में। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, फ्लोटिंग विंडोज में, साइड बार में और यहां पे होगा ये ऑप्शन शो वाइल प्लेइंग वीडियोस, आपको इसे ऑन करना है और वीडियो ऐप को आपको ओपन करना है, यहां पे होना चाहिए YouTube। अगर यहां पे YouTube नहीं होता तो यहां पे होगा, आपको उसे टिक करके करना है इसे ऑन इस तरीके से।
फिर आपको यूट्यूब को ओपन करना है, किसी भी वीडियो को प्ले कीजिए, आपको यहाँ पे मिलेगी एक लाइन ब्लैक कलर की, आप देख पा रहे हो, आपको इस पे स्वाइप करना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको मिलेगा वीडियो टूल बॉक्स, इसमें होगा चौथे नंबर का ऑप्शन जो है प्ले वीडियो विद स्क्रीन ऑफ, आपको इस पर टैप करना है, ओके कीजिए। आप देखोगे आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ हो चुका है, फिर भी यूट्यूब प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में। तो आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ होता है, आपका फोन लॉक होता है, फिर भी आपके फोन में यूट्यूब प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में इस तरीके से। अगर आप रिसेंट ऐप्स को ओपन करोगे तो आपको ऊपर में मिलते हैं ये चार आइकन, अगर आप इन्हें यूज नहीं करते तो आप इन्हें यहां से रिमूव कर सकते हो, मतलब कि यहां पे ये शो नहीं करेंगे। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में और यहां पे होगा मोर, फिर आपको नीचे आना है और ये रहा शो सजेशन, आपको इसे ऑफ करना है। रिसेंट ऐप्स में अब आपको चार आइकन शो नहीं करेंगे, हमने अब उन्हें रिमूव कर दिया है। आपके फोन में कितनी रैम अवेलेबल है और कितनी रैम यूज हो रही है अगर आपको चेक करना हुआ शॉर्टकट वे में, तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा मोर का ऑप्शन, नीचे आपको आना है, यहाँ पे होगा शो मेमोरी स्टेटस, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर आप जाओगे रिसेंट ऐप्स में तो ऊपर में आपको मिलेगा यहाँ पे रैम इन्फो, तो कितने जीबी में से कितनी जीबी रैम अवेलेबल है और आपने कितना एज वर्चुअल रैम को इनेबल किया है यहाँ पे शो होगा। इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल ऐप का फीचर, मतलब कि आप एक ही ऐप को दो अलग अलग तरीके से यूज कर पाओगे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, ऐप्स में और यहाँ पे होगा ड्यूल ऐप, आप देख पा रहे हो, आपको इसे करना है क्रिएट। आपको जिन किसी ऐप्स को करना है ड्यूल ऐप में इनेबल, आपको उस ऐप को ओपन करके करना है इस तरीके से, टर्न ऑन कीजिए। तो मैंने इंस्टाग्राम को ऑन कर दिया है, इसके अलावा आप चाहो तो फोन पे अमेजोन या नेटफ्लिक्स को भी ऑन कर सकते हो, जो भी यहाँ पे शो कर रहे हैं इनमें से सभी ऐप्स को आप कर पाओगे ड्यूल ऐप में इनेबल। इतना नहीं, आपको मिलता है सेकंड स्पेस का फीचर, मतलब कि आप अपने एक ही फोन को दो अलग अलग तरीके से यूज कर पाओगे मल्टीपल यूजर की तरह। तो आपको बैक जाना है और यहाँ पे होगा एडिशनल सेटिंग्स, इसे ओपन कीजिए और ये रहा सेकंड स्पेस, आपको अगर यूज करना है तो कीजिए टर्न ऑन। सेकंड स्पेस को काफी अच्छे से कैसे यूज करना है उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप जब भी किसी भी ऐप या वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए पासवर्ड को एंटर करते हो तो आपके जो पासवर्ड है कुछ मोमेंट के लिए शो करते हैं, मतलब कि लेटर आपको शो करेंगे इस तरीके से। तो बगल में अगर कोई बैठा होगा तो जान पाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से लेटर शो ना करे तो आप इन्हें हाइड कर सकते हो हमेशा के लिए। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नीचे मिलेगा आपको प्राइवेसी का ऑप्शन, इसे ओपन कीजिए और ये रहा शो पासवर्ड, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं पासवर्ड को एंटर करूंगा तो अब मुझे लेटर शो नहीं करेंगे, अब मुझे यहाँ पे शो करेंगे केवल डॉट्स एंड डॉट्स। जब भी आप अपने फोन में ऐप ड्रॉअर को ओपन करोगे तो आपके फोन में कीबोर्ड ओपन हो जाता है सर्च करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से कीबोर्ड ओपन ना हो ऐप ड्रॉअर को ओपन करने के बाद, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो कीबोर्ड को। तो आपको ओपन करना है ऐप ड्रॉअर को, कीबोर्ड को नीचे कीजिए और यहाँ पे होगा गियर का आइकन, उस पर टैप कीजिए और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ये ऑप्शन जो है ओपन सर्च आफ्टर ओपनिंग ऐप ड्रॉअर, आपको इसे ऑफ करना है। तो जब भी सर्च करना होगा सर्च कीजिए, लेकिन जैसे आप ऐप ड्रॉअर को ओपन करोगे अब आपको पहले की तरह कीबोर्ड शो नहीं करेगा। इस फोन में आपको मिलता है पोको का डिफॉल्ट डायलर, मतलब कि आप अपने फोन ऐप के जरिए अपने सभी कॉल्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर पाओगे और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के, मतलब कि आप रिकॉर्डिंग करोगे लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको फोन ऐप को ओपन करना है, जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा कॉल रिकॉर्डिंग, इसे ओपन कीजिए और आपको इसे ऑन करना है, रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली ऑन कीजिए। इसके बाद आपके सभी कॉल्स होंगे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के, और आपके जो भी कॉल्स होंगे से होंगे फाइल मैनेजर में, इसे ओपन कीजिए, स्वाइप कीजिए, यहाँ पे होगा MIUI, ओपन कीजिए, साउंड रिकॉर्डर, कॉल रिकॉर्डर और ये रहे आपकी रिकॉर्डिंग्स। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि आप उन्हें स्प्लिट विंडो या फिर फ्लोटिंग विंडो में ओपन नहीं कर सकते, जैसे कि फोन पे। अगर आप बाकी ऐप्स की बात करेंगे तो आप देखोगे रिसेंट ऐप्स में अगर आप उस ऐप पे लॉन्ग टैप करोगे तो आपको मिलते हैं दो ऑप्शन, ये है स्प्लिट व्यू और ये है फ्लोटिंग विंडो। लेकिन अगर आप बात करेंगे फोन पे की तो फोन पे को आप मल्टी विंडो में ओपन नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे लेकिन आप उन्हें यूज नहीं कर सकते, आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो जो ऐप्स मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करता वो भी ऐप्स मल्टी विंडो सपोर्ट करे, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट फोन में MIUI वर्जन जो लिखा होगा आपको उस पर लगातार 7 times टैप करना है, 7 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बैक जाइए और आपको ओपन करना है एडिशनल सेटिंग्स को और ये रहा डेवलपर ऑप्शंस, इसे ओपन कीजिए और फिर आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पे मिलेंगे कई सारे ऑप्शंस लेकिन आपको 3 options को ऑन करना है। तो सबसे पहले फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो और एंड में आपको करना है इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज, फिर आपको करना है रिबूट नाउ, आपका फोन होगा रिस्टार्ट। इसके बाद अगर आप गौर करोगे फोन पे अगर आप लॉन्ग टैप करोगे तो आपको मिलेंगे दोनों ऑप्शंस मल्टी विंडो के लिए,
हालांकि दोनों अब काम भी करेंगे, आप देख सकते हो अब फ्लोटिंग विंडो में भी आप ओपन कर पाओगे फोन पे को इस तरीके से। अगर आप चाहते हो आपके फोन में जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए तो आपके फोन में डिस्प्ले ऑन होना चाहिए, आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, और यहाँ पे होगा वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसे ऑन कीजिए। मान लीजिए मेरे फोन में डिस्प्ले ऑफ है, ऐसे में अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपके फोन में डिस्प्ले ऑन होगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहते हो लॉक स्क्रीन पे जो क्लॉक स्टाइल है उसके नीचे आपका नाम या आपकी इन्फो शो करे यहाँ पे, तो आप अपनी इन्फो को यहाँ पे शो कर पाओगे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, और नीचे आना है आपको, इरहा लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट टैप कीजिए। आपको जो क्लॉक स्टाइल चूज करनी है चूज कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे चार ऑप्शन, मान लेते मैंने सेट किया है ये ऑप्शन। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो, टैप कीजिए। आपको अपनी इन्फो यहाँ पे टाइप करनी, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करूंगा यस टेक्नो, ओके कीजिए। तो आपका फोन जब भी लॉक होगा क्लॉक स्टाइल के नीचे आपको शो करेगी आपकी इन्फो, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपका नाम या कोई भी इन्फो शो होगा। आपके फोन में अगर कोई भी कॉल आएगा तो आपके फोन में बजेगी केवल रिंगटोन, आपके फोन में वाइब्रेशन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कॉल आने पे रिंगटोन भी बजे और वाइब्रेशन भी हो तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, साउंड एंड वाइब्रेशन में, और यहाँ पे होगा वाइब्रेट फॉर कॉल्स, आपको उसे ऑन करना है, ये रहा वाइब्रेट फॉर कॉल्स, इसे ऑन कीजिए। आप अपने फोन में स्टेटस बार पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को शो कर सकते हो, मतलब कि आप जान पाओगे कि आपके फोन में जो इंटरनेट है या नेटवर्क है कितनी स्पीड पे रन कर रहा है। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, स्टेटस बार में, और यहाँ पे होगा शो कनेक्शन स्पीड, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आपको शो करेगा यहाँ पे नेटवर्क स्पीड। अगर आप अपने फोन में गेमिंग करते हो तो आपको अपने फोन में गेम टर्बो को जरूर ऑन करना चाहिए, ताकि आप गेमिंग के दौरान अलग अलग फंक्शंस को यूज कर सको, जैसे कि वॉइस चेंजर, D&D। तो आपको सिक्योरिटी ऐप को ओपन करना है, नीचे आना है और यहाँ पे होगा गेम टर्बो, इसे ऑन कीजिए। गेम को ऐड करने के लिए आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, जिस किसी गेम को आपको ऐड करना है उसे आपको ऑन करना है, इस तरीके से ऑन कीजिए, बैक जाइए, फिर आपको सेटिंग्स के आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे गेम टर्बो को ऑन कीजिए, फिर इसे क्लोज कीजिए। अब अपने गेम को ओपन कीजिए, अब आपको यहाँ पे शो करेगा गेम टर्बो पैनल, आपको इसे ओपन कैसे करना है, आपको यहाँ पे मिलेगी एक लाइन, आपको लाइन पे करना है स्वाइप, ये है गेम टर्बो पैनल। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कई सारे गेमिंग के फीचर्स, जैसे कि क्लियर मेमोरी, फ्री अप स्टोरेज, D&D, वॉइस चेंजर, रिकॉर्ड, टर्न ऑफ स्क्रीन, कास्ट, टाइमर, और आप गेमिंग करते हुए इन एप्स को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हो इस तरीके से। मान लीजिए आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है, और इसे में अगर आपको जल्दी से कैमरा टॉर्च को लॉन्च करना हो तो कैसे करोगे, उसके लिए आपको इनेबल करने हैं दो शॉर्टकट्स। आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर शॉर्टकट में, लॉन्च कैमरा में, आपको नीचे वाले ऑप्शन को ऑन करना है, बैक जाइए, इसके बाद होगा टर्न ऑन फ्लैशलाइट, इसे ओपन करके इसे ऑन कीजिए। तो मान लीजिए आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है, ऐसे में अगर आपको अपने फोन में कैमरा को क्विकली लॉन्च करना हुआ तो आपको वॉल्यूम डाउन पे करना है डबल प्रेस, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। अगर आपको फ्लैशलाइट को लॉन्च करना है तो पावर की पे कीजिए डबल प्रेस, फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगा, ऑफ करने के लिए फिर से कीजिए डबल प्रेस। दोस्तों तो ये थी वो 20 सेटिंग्स जिन्हें आपको चेंज करना था आपके पोको M6 प्रो 5G में। इसके बाद आप काफी अच्छे से अपने फोन को यूज कर पाओगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि X पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।